यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पतारी मोड़ के पास दो ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई है। तो फतेहपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पतारी मोड़ के पास दो ट्रकों की टक्कर हो गई है और टक्कर के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई है। तो ये बड़ी खबर फतेहपुर से आपको बता रहे हैं जहां पर पतारी मोड़ के पास दो ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई है जिसमें एक ट्रैक्टर में आग लग गई है और ट्रक ड्राइवर की इसमें मौत हो गई है और कंडक्टर घायल हो गया है। और फतेहपुर से पवन द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, दो ट्रकों के टक्कर के बीच में एक ट्रक के अंदर भीषण आग लग गई है। बड़ी खबर आपको फतेहपुर से बता रहे हैं जहां पर पतारी मोड़ के पास दो ट्रकों की जोरदार टक्कर हो गई है और टक्कर के बाद एक ट्रक में भीषण आग लग गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और बकेवर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो बड़ी खबर फतेहपुर से आपको बता रहे हैं। और पवन द्विवेदी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। पवन द्विवेदी, क्या है पूरी जानकारी? फतेहपुर के बकेवर थाने के पतारी गांव के मोड़ के पास जो है जी, पतारी मोड़ के पास जो है दो ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें एक ट्रक जो है गुजरात से घी लादकर इलाहाबाद जा रहा था जी, उसका ड्राइवर राजवीर सिंह वो अंदर सो रहा था और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसी का भाई है बीरेन सिंह जी। ये गुजरात के रहने और अचानक टक्कर में आग लग गई और लगने आग इतनी भड़क थी कि वहाँ पे जो है लोगों को पहुंचना मुश्किल हो गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको फतेहपुर से जहां पर पतारी मोड़ पर दो ट्रकों के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई और जिसमें एक ट्रक में आग लग गई। तो टीवी स्क्रीन पर ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये ट्रक धू धू करके जल रहा है। टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दो ट्रकों के बीच में भिड़ंत हो गई है और उसमें एक ट्रक में आग लग गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये ट्रक धू धू करके जल रहा है और इस पूरे घटना में एक ड्राइवर की मौत हो गई है और एक कंडक्टर घायल हो गया है।